राजा रानी के रिश्ते में कौन सा नया मोड़ ला रहा है डॉक्टर मेहर। श्रीनाथ जी, मैंने सोच लिया है मुझे अब क्या करना है, बस आप मेरा साथ दे देना। क्या करने का सोच रही हो? अब नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अब जब राजा को ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम तो चले जाओगे ना, क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूं जिससे मैं तुम्हें थैंक यू कह पाऊं। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताऊं, जैसे बचपन में हर संडे को मोहल्ले में सब साथ मिलकर मूवी देखा करते थे, जब किसी के मन में कोई बैर नहीं था। बस तो क्यों ना हम आज रात पिक्चर देखें। पिक्चर? नहीं, ठीक है, तुम मेरे साथ वक्त बिताओगी तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आज रात को। मिलते हैं। डॉक्टर मिहिर धमाली दोषी, आज रात तो तुम्हारी कहानी खत्म। हेलो, मैं तुम्हारी पसंद के फूल लेकर आई हूं। कैसे हो तुम राजा? राजा, थोड़ा जोश दिखाओ, थोड़े खुश हो जाओ, सब तुमसे थोड़ी देर में मिलने आने वाले। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है राजा, बस तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद तुम घर आ जाना, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर आने का। काश मैं तुम्हें मिहिर की सच्चाई बता पाती, बस आज रात की बात है, कल तक मिहिर हमारी जिंदगी से जा चुका होगा। रानी, इसे पॉपकॉर्न में मिक्स कर दो। श्रीनाथ जी, मुझे माफ करना, अब मेरे पास यही एक रास्ता है। अब मिहिर जैसे ही ये पॉपकॉर्न खाएगा ना, वो बेहोश हो जाएगा, और फिर तुम जल्दी से राजा भाई की मेडिकल फाइल्स ढूंढ सकती हो। वैसे भी सब लोग सो गए हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। श्रीनाथ भाभी, मैं राजा को बचाने के लिए जो भी करना पड़े सब करूंगी, लेकिन ऐसे किसी को नशे की दवाई देना ठीक नहीं है। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना रानी? सवाल जिस भाषा में पूछा जाए ना, जवाब भी उसी भाषा में देना पड़ता है। तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, अगर तुम्हारी जगह राजा भाई होते ना, तो वो भी यही करते।
बस जो कुछ भी करो ना बहुत ध्यान से करना हूँ, और हाँ अगर अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो मुझे फोन कर देना, मैं रूम के बाहर ही खड़ी रहूंगी। हे श्रीनाथ जी, रानी की रक्षा करना। मैं ये दुनिया, ये सारा जहान तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँ। तुम बस एक बार हाँ कह दो प्लीज। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तुम आज भी वही मिहिर हो जिससे मैं पहले भी नफरत करती थी, लेकिन आज तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। देखा रानी, बिल्कुल हमारे पुराने दिनों की तरह। वही प्रोजेक्टर, वीसीआर, स्क्रीन। और मैं ठीक वैसा ही पुराना मिहिर। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह हम फिल्म देखेंगे। तुमने तो मेरे बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। बिल्कुल पुराने दिनों की याद दिला दी। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रानी, एक एक शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अरे हाँ, ये देखो मैंने तुम्हारी घड़ी भी ठीक करवा दी। आज से हमारा अच्छा वक्त शुरू रानी। थैंक यू। पिक्चर शुरू करें? मैं लाइट बंद करता हूं। इस पिक्चर की खत्म होते होते तुम भी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाओ। ये मिहिर पॉपकॉर्न क्यों नहीं खा रहा? सॉरी, मैं डाल देता।
हो क्यों नहीं रहा? थैंक यू श्रीनाथ जी, पॉपकॉर्न का असर हो गया। मिहिर, मिहिर क्या हो गया? मिहिर उठो, क्या हो गया? मिहिर, मिहिर, मिहिर उठो ना, उठो ना। तुम बेहोशी में मेरे सपने देखो और मैं अपना काम शुरू करती हूं। फाइल्स कहां रख दी इसने? ये कैसा बैग है? शायद इसमें हो मेरे राजा की फाइल्स। श्रीनाथ जी प्लीज, मेरी फाइल मिलने तक मिहिर को होश ना आ जाए। मिल गई, मेरे राजा की फाइल मिल गई। डॉक्टर मिहिर, अब तुम्हारा खेल खत्म। इस बीबी राजा का नाम है? इसे कैसे हो सकता है? फाइल्स पर राजा का नाम कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? रानी, अब जब इतनी मेहनत कर ही रही हो तो कम से कम अच्छे से तो करो। हाँ, यहां और यहां तो तुमने देखा ही नहीं है ना? रानी, कोई मदद की जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ, क्या हुआ? अपने आप उतरोगी या मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? क्या हुआ रानी, तुम्हारे इरादों की नाइट शिफ्ट खत्म हो गई? दिमाग के तार हिल गए ना तुम्हारे? रानी, तुम क्यों भूल जाती हो कि मेरा नाम डॉक्टर मिहिर दोषी है, दिमाग का डॉक्टर। हाँ।
रानी, तुमने मुझे पॉपकॉर्न खिलाए लेकिन मैंने खाए तो नहीं। रानी, अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं अपनी छोटी समझ को शह देने की। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती रहोगी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी चाल का तभी पता चल गया था रानी, जिस दिन मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हें नहीं तुम्हारी जगह पर दर्शना भाभी को देखा था। रानी, खेल तुम नहीं, खेल मैं रहा था तुम्हारे साथ, तुम्हारी हां में हां मिलाकर। यही डर, यही मजबूरी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था रानी। मैं तुम्हारी वो गली का दमाली मीर नहीं हुआ, बल्कि इस देश का नंबर वन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर मिहिर दोषी हूं, समझी? अब जब तुमने मेरे इरादे की आवाज सुन ही ली है तो मेरा सच भी सुन लो। मैं अपने राजा को तुमसे बचा के रहूंगी। ओह रियली? रियली राजा को बचाओगी मुझसे? इतनी शिद्दत, इतनी मोहब्बत है तुम्हें अपने पति राजा से, उसको बचा लोगी तुम? हाँ तो तुम अपने प्यार, अपने राजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ कुछ भी कर सकती हो। तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है रानी, कोई फर्क नहीं है। तुम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी। ये प्यार मतलब छीनना नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है पाना। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन रानी मैं तो करता हूँ ना, मैं तो करता हूँ ना तुमसे, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, ये जिद है मिहिर। जानती हूँ तुम्हारे अंदर का घमंड तुम्हें ये गाली दे रहा होगा कि एक लड़की ने तुम्हें ना बोल दिया, है ना? रानी, 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 तुम हर बार मेरे प्यार का ऐसे मजाक नहीं बना सकती। तुम हर बार मेरे प्यार को जिद, घमंड नहीं कह सकती रानी। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे प्यार को गाली, कोई हक नहीं है।